नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगी आपको 4.5 मीटर कपड़े में सूट और सलवार की कटिंग। चलो शुरू करते हैं। ये हमने कमीज का कपड़ा लंबाई के हिसाब से अलग निकाल लिया है। अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। इसे अच्छे से बिछा लेंगे। अब हम कमीज के घेर के हिसाब से निशान लगाएंगे। हमने ये 24 इंच का घेर लेना है, 1.5 इंच मोड़ने का अलग रख देना है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब हम 7 इंच तीरे का निशान लगाएंगे। आठ इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। ये हमने इसकी चेस्ट लेनी है 22 इंच, तो यहाँ 22 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको मिला देंगे। ये अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे गोलाई के लिए। ये यहाँ से गोलाई कर देंगे। अब ये हम कमर का निशान लगाएंगे। ये हमें कमर रखनी है 19 इंच। हम यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। हमने हिप लेनी है 24 इंच। ये हमने कमर का निशान लगा लिया है 7 इंच पर। यहाँ से अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ से घेर का निशान लगा लिया है 24 इंच। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इनको मिला लिया हमने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने मुड्ढे की कटिंग कर ली है। ये हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, 2 इंच का कमर से रखेंगे। अब हम इसकी कटाई करेंगे। ये हमने कमीज की कटिंग कर ली है। ये दोनों पीस को अलग अलग करेंगे। ये हम पीछे वाला हिस्सा अगले वाले हिस्से से बड़ा काटेंगे। ये हम बड़ा इसलिए काटेंगे कि हमारा कमीज का अगला गला पीछे की तरफ ना जाए। अब हम दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। पीछे वाला हिस्सा नीचे रखेंगे, आगे वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे। ये आगे वाला हिस्सा इसके ऊपर रख लेंगे। ये आगे वाले हिस्से की हम कटिंग करेंगे मुड्ढे की।
ये हम बीच से निशान लगाएंगे 7 इंच का गोलाई में। ये हमने निशान लगा लिया है, अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने आगे वाला हिस्सा पीछे वाले से 1 इंच ज़्यादा काटा है, 2.5 इंच पे हम गले का निशान लगा लेंगे, 2.5 इंच पे पीछे वाले गले का निशान लगा लेंगे। ये हम इप का निशान लगा लेते हैं क्योंकि सिलते समय हमें आसानी रहे। ये यहाँ से हम कमीज की मोड़ाई का निशान लगा लेंगे। ये हमारी कटिंग, कमीज की कटिंग पूरी हो गई है। ये हम बाजू के लिए कपड़ा लेंगे, इसे अच्छे से बिछा लेंगे। अब हम इसको 4 तह में फोल्ड करेंगे। ये हमने बाजू की लेंथ का निशान लगा लिया 19 इंच पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम बाजू की मोरी का निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। 2 इंच का 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम गोलाई का 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हम गोलाई का 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की गोलाई कर देंगे। ये बाजू की गोलाई की कटिंग कर दी है। अब हम 7 के 7 बाजू के अगले हिस्से की कटिंग का निशान लगाएंगे 1 इंच पर। और ये हमने अगले हिस्से की कटिंग कर दी है। ये हमारे बाजू और कमीज की कटिंग तैयार हो गई है। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा कमीज की साइड से कपड़ा निकला था, हम उसमें से सलवार के गोड्डे निकालेंगे। ये हमारी सलवार की लेंथ है 36 इंच, तो हम उसके हिसाब से 4.5 इंच कपड़ा बेल्ट के लिए छोड़ देंगे और 36 इंच पर निशान लगाएंगे। 0.5 इंच हम मोड़ने के लिए छोड़ देंगे। और फालतू कपड़े को निकाल देंगे। ये हमने सलवार के गोड़े निकाल लिए हैं। ये हम कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। ये कपड़े की सभी सिलवटें निकाल लेंगे। ये 2 इंच पोंचों के लिए निशान लगा लेंगे, 2 इंच उधर से लगा लेंगे। अब इस निशान को आपस में मिला देंगे। इसको आपस में मिला लेंगे। ये हमने इस निशान को आपस में मिला लिया है। अब हम इसको काट लेंगे।
अब हम इन चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इनको आपस में मिला लेंगे अच्छे से। अब हम 10 इंच आसन का निशान लगाएंगे। अब हम आसन की कटिंग कर देंगे। ये हमारी चारों कलियां कट कर तैयार हो गई है। ये जो हमारी जुड़ी हुई कली है इसको अलग कर लेंगे। ये हमारी सलवार की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम सलवार की बेल्ट निकालेंगे। ये बचा हुआ कपड़ा हम सलवार की बेल्ट के लिए लेंगे। इसे डबल करके बिछा लेंगे। हम 7.5 इंच चौड़ा लेंगे। ये हम हमारी कमीज की हिप थी 24 इंच, हम उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 26.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 1/2 इंच हमने मोड़ने के लिए रख लिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम इनको बीच में से काट कर अलग अलग हिस्से कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट कट के तैयार हो गई है। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम इसमें से पोंचों के नीचे लगाने के लिए कपड़ा निकालेंगे। ये हमने दोनों पोंचों के नीचे लगाने के लिए कपड़ा निकाल लिया है। ये हम गले के लिए कपड़ा निकालेंगे। ये हमने आगे वाले गले के लिए कपड़ा निकाल लिया है। ये हम पीछे वाले गले के लिए रेब में कतर निकालेंगे। ये हमने पीछे वाले कपड़े गले के लिए रेब की कतर निकाल ली है। इससे हमारे पीछे वाला गला फिनिशिंग के साथ गोलाई में तैयार होगा। ये 4.5 मीटर कपड़े में हमारा सूट और सलवार पूरा बन गया है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी,